वहाँ तक पहुँचने। क्लियर हो जाएंगे फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या सारी प्रोसेस है। ओके सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउज़र में गूगल डॉट कॉम ओपन करनी होगी। ठीक है स्टार्टिंग से शुरुआत से आपको बता रहा हूँ, आपको वहाँ पर टाइप करनी है गुजरात आई 2022 IAS पेपर एंड सर्च करना है। आप जब भी सर्च करते हैं तो आपको खुद ही दिखाई देगा यहाँ पर क्या दिखाई देगा, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2022, जस्ट आपको यहीं पर क्लिक करनी है। ओके आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका क्या है गुजरात आई, सो एप्लीकेशन फॉर्म आपकी आउट कर दी गई, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 मई को रिलीज़ किया गया है गुजरात इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप करना, जो आपको फिल करनी है यहाँ पे अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, इन सभी की डिटेल्स यहाँ पर आप दे देना। आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना होगी। इस प्रोसेस से क्या होने वाला है, इस प्रोसेस से है कि बेस्ट सजेशंस आपको मिलते हैं बेस्ट कॉलेजेस के रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट रिलेटेड आपका को मतलब सजेशंस किया जाता है आपके ईमेल आईडी कांटेक्ट नंबर के थ्रू, वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। तो गेट फ्री काउंसलिंग। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। गुजरात आईटीआई में एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेसर क्या है, तो नेम से लेकर के एंड तक के सारे प्रोसेसर इस वीडियो में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप समझेंगे भी कैसे क्या करना होता है। राइट तो फिर आप देन आप न्यू टैब में ओपन होंगे, फिर से स्क्रॉल डाउन करनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करनी पड़ेगी ताकि आप अप्लाई कर सकें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकें। आप जब ये करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गुजराती में चाहिए तो गुजराती में कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में कर सकते हैं। मेरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेता हूँ, यहाँ पर इजी पड़ेगा मेरे को। ओके तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मेरा नाम क्या है, जो भी मेरा नाम यहाँ पर होगा वो यहाँ टाइप करूँगा। फादर नेम अगर मैं फीमेल हूँ तो मैं, अगर मेरी फीमेल हूँ मेरी शादी हो चुकी है तो मैं आप लिखूँगा ऐसा। ठीक है अगर मैं मेल हूँ तो फादर का ही नाम लिखना ही लिखना है, चाहे शादी हो या ना हो। ठीक है तो यहाँ पर फादर नेम और सर नेम आपका, मदर नेम, जेंडर बतानी होती है, मदर टंग बतानी होती है यहाँ पे। राइट ओके रेसिडेंशियल एरिया बतानी होती है, रूरल आपका जो भी होगा यहाँ पर आप बताएंगे। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर क्या बताना होता है मुझे, हाउस नंबर, सोसाइटी, लैंडमार्क, एड्रेस वही, तालुका, रेसिडेंशियल, ये सारी चीज़ें, पिन कोड नंबर देनी होती है और फिर आप मोबाइल नंबर देंगे उस पर SMS आएगा, इंपॉर्टेंस ही रहता है। ठीक है मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है वो देना होता है और फिर रीटाइप योर मोबाइल नंबर एंड फ़ोन विथ STD कोड यहाँ पर आपको टाइप करनी होती है। ठीक है ईमेल एड्रेस रीटाइप योर ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ यहाँ एंड आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना। तो यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान 18th डिजिट का यूनिक कोड होता है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं यहाँ पर दे दीजिएगा। फ़ोटो ID आपके पास क्या है, ठीक है आपके पास जो भी होगा उसका ID का नंबर होता है वो यहाँ पर दे दीजिएगा, आधार कार्ड जो भी होगा। अब यहाँ पर हिंदू है, मुस्लिम है, फिर शिक्षित जो भी आप यहाँ पर हैं, पारसी वगैरह अब बता सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी बतानी होती है आपकी कौन सी है, फिजिकली हैंडीकैप है अगर आप तो बता सकते हैं, एक्समैन सर्विस मैन है या फिर डिवोर्स हो चुका है विंडो पे, तो यहाँ पर आप बताइए। फिर आगे बढ़ना होता है यहाँ पर कास्ट सेलेक्ट करके जनरल बता देनी है तो जनरल बताएँ जो भी आपका, आर यू बिलोंग NT DNT, अगर आप करते हैं तो यस करें, नहीं करते तो नो करें बस। अब फिर से नीचे आनी है, अब आपके क्लास 10th का बात हो रही है यहाँ पे कि सीट नंबर क्या था जब आप क्लास 10th में थे और कौन से ईयर में आप पास किए, 2010 में लाइक ओके अरे 10 हाँ। अब एंटर द एज़ पर द मार्कशीट, ओके नेम यहाँ पर एंटर करना है, जो भी आपके मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ था सेम, जितना भी नाम बड़ा लिखा होता सब यहाँ पर लिखेंगे लास्ट तक का नाम आपका था। ठीक है नाम जो भी नाम के सामने आपको टैग हो रहे हैं मार्कशीट पे देखिए आपका नाम क्या लिखा हुआ, अच्छे से पूरा नाम यहाँ पर लिखिए, फेच SSC मार्क यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी होगा वो यहाँ पर ढूंढा जाएगा, मिल जाएगा। फिर एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पर आप फिल करेंगे, ठीक है बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th राइट ईयर ऑफ कौन सी ईयर में पास किए यहाँ पर आप बढ़ सकते हैं 2010 में, यहाँ पर वही सीट नंबर और 10 मार्क्स बतानी होती है कितना मार्क्स आपको आया, 377 कितने में से 500 में से, यहाँ पर मैथ्स में कितने आए थे आपको, यहाँ पर साइंस में कितने आए थे ये बता, सिंपल है काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है।
एंड आपको यहाँ पर नेक्स्ट देखने को मिलता है कि जहाँ पर आपके 12th की डिटेल्स आ गई, जहाँ पर आपने स्ट्रीम कौन सा चूज़ किया था, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो कॉमर्स तो कॉमर्स बता सकते हैं, साइंस किया तो साइंस बता सकते हैं, आर्ट्स किया तो आर्ट्स बता सकते हैं, राइट। एंड ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे, 12th का कौन से ईयर में पास किया आपने, 12th क्लास 2012 में। सीट नंबर क्या था, मार्क्स ऑब्टेन एंड मार्क्स, ओके 600 आउट ऑफ 555, ठीक है, ओके ओके 555 600। ये आउट ऑफ मार्क्स यानी कि टोटल मार्क्स, ये ऑब्टेन मार्क्स यानी कि उसमें से कितना मार्क्स है, आउट ऑफ मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन। आईटीआई क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेड्स, फैशन, डिजाइनिंग, मेडिकल्स इक्विपमेंट, मैकेनिक्स, विच वन, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। एंड अगर आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन आईटीआई का किया रहेगा तो यहाँ पर आप मार्क्स बता सकते हो, ऑब्टेन मार्क्स पासिंग है। सो मार्क्स मेरा यहाँ पर आए थे मेरे को, ओके कितने में से, 300 में से कितना आया था मेरे को, 222 आउट ऑफ 300। ईयर ऑफ पासिंग 2011, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना होता है एसएस, जहाँ पर इंग्लिश मार्क्स बताएंगे अगर आप यहाँ पर किए तो प्रैक्टिकल्स, तो इंग्लिश मेरे को आया था 57। ग्रेजुएट अगर आप हुए, इफ़ ग्रेजुएट, सो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे कि बीकॉम, बीएससी, बीए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, डिग्री इंजीनियरिंग, इफ़ यू कंप्लीट योर ग्रेजुएट। अगर आपने नहीं किया तो नॉन पे रहने दीजिए और डिक्लेरेशन से यहाँ पर कंप्लीट कीजिए, पूरा डिक्लेरेशन से यहाँ पर आपको रीड करनी होगी एंड आपको यस करना होगा, टिक एंड कैप्चा फील हियर, कैपिटल में आर ए, ओके सी ए डब्ल्यू ए क्यू, राइट। सो ये देख सकते हैं दिस इस कैप्चा, ये कैप्चा है जो आपको फिल करनी इम्पॉर्टेंट है एंड आपको सबमिट पे क्लिक करनी। सो यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है विद रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना फॉर द फ्यूचर यूज एंड सेव दिस आईडी फॉर फ्यूचर यूज, ओके। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड यू कैन एग्जिट एंड लॉग इन करना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके एंड डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप हियर एंड कैप्चा 34, आई एम 70 एंड लॉग इन, लॉग इन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन सी योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मैप, ये ओपन हो चुका है लॉग इन करने के बाद। सो एप्लीकेंट फोटो अपलोड ईयर चूज, फर्स्ट ऑफ ऑल चूज एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है जो आपको जेपीजी फॉर्मेट चाहिए रहता है, कितना केबी, कितना क्या चाहिए, सब यहाँ पर बताया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना फाइल जो भी होगी आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका फाइल होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका फ़ोटो जो भी रहेगा, यहाँ पर चूज़ करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ का फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, उसकी साइज़ वगैरह सब देख लीजिए, यहाँ पर ये नहीं चलेगा तो दूसरा देखते चलेगा कि नहीं। यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर जो भी मेरा नाम रहेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर अपलोड करने आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ पर तो यहाँ पर अपलोड पे आएंगे, फ़ोटो सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। आप कैंडिडेट होम पे क्लिक करना है आपको, अपलोड करने के बाद आपका फ़ोटो दिखेगा और यहाँ पर आपको होम पे क्लिक करना है एंड जब होम पे क्लिक करते हो, प्रीव्यू एप्लीकेशन, सेकंड एडिट, इफ़ यू ओके इफ़ यू वांट टू एडिट सो यू कैन एडिट, ओके फ़ोटो अपलोड एंड चेंजेस, कंफर्म एप्लीकेशन फीस, नो योर प्रोविजनल चॉइस फिलिंग, ठीक है। टोटल लिस्ट 8 स्टेप्स, फर्स्ट प्रीव्यू, ओके एंड बैक, इफ आई वांट टू एडिट, मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे कर सकता हूँ, ओके अगर मैं अपलोड के लिए अगर मैं कुछ गलती है तो इसे भी मैं दूसरा चेंज कर सकता हूँ, राइट। और उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना होता है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करनी है, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर गो पे क्लिक करना है और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पर आ गया। यहाँ पर यस आई कंफर्म पे क्लिक करनी है एंड व्यू डिटेल्स, ओके कुछ रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा, ओके एंड ओटीपी जाएगा मेरे ईमेल एड्रेस पे,
सो टाइप कर दूंगा यहाँ पर ईमेल एड्रेस पे, जैसे मैं यहाँ पर ओटीपी आएगा ओटीपी टाइप कर दूंगा, जस्ट ओटीपी आ गया है मेरे को यहाँ पर, मोबाइल नंबर पे भी आएगा, दोनों में आएगा, बट आपको जो भी जहाँ पे भी मिले आप कर सकते हैं। कंफर्म सक्सेसफुली हो चुकी है एंड प्लीज़ नोट डाउन द बिलो डिटेल्स फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन करके रख लेना, बहुत ही काम का है ये, ठीक है। फोटो स्क्रीनशॉट नोट डाउन, बुक में कहीं नोट डाउन करना, ओके क्लिक करना है एंड कंफर्म हो गया। आप यहाँ पर प्रिंट करना है, आपको प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर लिखना है 01012, ओके। अब यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है राइट, तो डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा मैं यहाँ पर टाइप करूँगा और यहाँ पर मैं प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं प्रिंट यहाँ पे से कर सकता हूँ, ठीक है। वापस करते हैं, दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में चाहता हूँ निकालना तो इंग्लिश में निकालूंगा, अगर मैं गुजराती में चाहता हूँ गुजराती में ही निकाल सकता हूँ, तो उसे आपको प्रिंट। अब मैं यहाँ पर बैक करता हूँ, प्रिंट हो गया समझ लो। अब ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, फ़ीस पेमेंट का क्या करना है, जस्ट वेट करना होगा यहाँ पर, समय अभी शुरू सत्य ओके फीस का हो समझ लो हो गया। अब यहाँ पर आप चाहे तो आप जान सकते हैं मेरिट, ये भी अभी तक नहीं आया, बट आपको फीस तक का ही बस रहना चाहिए अभी तक, ये तीन प्रोसेस अभी तक नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन ओपन ही नहीं है अभी, यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ तक सारी प्रोसेस आपको समझ में आएगा आई होप। अगर आपको डाउट, आई होप आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी, अगर आपको डाउट अभी भी है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है सभी स्टूडेंट्स को, क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, सारी प्रोसेस तो मैंने बता दी, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।